Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important theorem which is Taylor's theorem. So इसके पहले हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था जिसमें लाइबनीज थ्योरम था, और उसके पहले फिर हमने डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह किया है, तो वो सारी वीडियो देख के आप आगे आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लाइबनीज थ्योरम था उसी तरीके से, तो ये थ्योरम हम आज प्रूफ करेंगे और इसके बाद फिर इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो चलिए देखते हैं. थ्योरम पूछता है कुछ इस तरीके से बीएससी लेवल पे कि स्टेट एंड प्रूव वो टेलर्स थ्योरम. स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम, तो पहले आपका स्टेटमेंट आएगा. टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें कोई चीज़ मिस्टेक ना हो इसलिए हमने पहले ही लिख रखा है स्टेटमेंट. तो ये इसका स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट के हिसाब से टेलर ने ये कहा कि लेट, अगर हम कोई फंक्शन मान लें एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स का फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच पॉजिज जो रखता है कॉन्टीन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स. तो ऐसा कोई फंक्शन जो एक्स का है, एक्स का फंक्शन है और वो कॉन्टीन्यूअस डेरिवेटिव रखता है सभी ऑर्डर का, यानी एक्स का जो भी हम ऑर्डर लेंगे, एफ डैश एक्स लें चाहे एफ डबल डैश एक्स लें या एफ ट्रिपल डैश, मतलब जितनी बार भी जितनी ऑर्डर का भी डेरिवेटिव लें वो सारा कॉन्टीन्यूअस हो. तो कॉन्टीन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, सभी ऑर्डर का कॉन्टीन्यूअस डेरिवेटिव वो रखता हो विच पॉजिज, किस इंटरवल में, इस इंटरवल ए टू ए प्लस एच, यानी ए से ए प्लस एच, यच एक तरह से स्टेप साइज जैसा. जैसे मान लीजिए ये इंटरवल कुछ ऐसा भी हो सकता है 0 to 1 या 1 to 2 या 3 ऐसा कुछ इस तरह से. तो एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक, तो इंटरवल ए टू ए प्लस एच. अब मान लें अगर एज्यूमिंग दैट एफ ऑफ ए प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट पावर सीरीज, अगर हम एफ ऑफ ए प्लस एच को एक्सपेंड कर पाए एज अ इनफाइनाइट पावर सीरीज, किसके पावर में, एच के पावर में. अगर एफ ऑफ ए प्लस एच को हम एक्सपेंड करें इनफाइनाइट पावर के रूप में पावर ऑफ एच, तो हम लिख सकते हैं टेलर के अनुसार इस तरह से एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड देन एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया nth h पावर n n फैक्टोरियल और f पावर n a प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपका जाएगा इनफाइनाइट तक. तो ये था टेलर का एक्सपेंशन कि अगर कहीं भी f ऑफ x है हमारे पास जो कि फंक्शन है x का, और ये सारा डेरिवेटिव अगर ऑल सभी ऑर्डर का डेरिवेटिव रखता हो, ऑल ऑर्डर्स, और सभी डेरिवेटिव इसके कॉन्टीन्यूअस हो यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे, तो हम f ऑफ a प्लस h को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं. तो ये था स्टेटमेंट. अब इसे हम प्रूफ करेंगे. प्रूफ में हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सपेंशन है ये h के पावर में है, इनफाइनाइट पावर सीरीज़ का एक्सपेंशन है और ये h के पावर में है. तो हम कुछ ऐसा पॉलिनोमियल टाइप ले लेंगे जो कि h के पावर में हो. तो मान लीजिए कि हम ले रहे हैं लेट अस अज्यूम दैट f ऑफ a प्लस h, हमारा जो f ऑफ a प्लस h है वो कुछ इस फॉर्म में है a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर और इसी तरह से a3h क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. तो हमने कुछ वैसी ही सीरीज ले ली जो h के पावर में एक्सटेंड हो रही है. यहाँ h का पावर 0 है, यहाँ h का पावर 1 है, h का पावर 2, h का पावर 3, यानी पावर इन h जो भी हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो पावर ऑफ एच है. अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम एफ ऑफ ए प्लस एच को ही हमें एक्सपेंड करना है इसको. तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो कॉन्स्टेंट है आर्बिटेरी वेयर ए ज़ीरो ए वन ए टू डॉट 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 आर आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ हम कुछ और भी ले सकते थे. तो यही सारी वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पे पुट कर लेना है. अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी, तो a0 हमें तब मिलेगा जब हम इसी फंक्शन को डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू h. विथ रिस्पेक्ट टू h करेंगे तो ये h हमारा यहाँ से गायब होगा,
और अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से अगर विथ रिस्पेक्ट टू एच करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ से ए वन, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ए टू मिलेगा, थर्ड डेरिवेटिव इस तरह से। तो एनी हाउ हम यहाँ से ए ज़ीरो, ए वन, ए टू और ए थ्री इन सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी में ला के पुट करेंगे और ये हमें एक्सपेंशन देगा टेलर का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। सो अब यहाँ से हमें अगर ए ज़ीरो की वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन वन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन वन से अगर हमें ए ज़ीरो वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लें, अगर हम h के जगह ज़ीरो पुट कर लें तो पुटिंग h इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम s इक्वल ज़ीरो पुट करें तो हमें a ज़ीरो क्या मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा f ऑफ a और इस साइड a ज़ीरो, यहाँ पे क्या है a वन h, तो जहाँ जहाँ h की वैल्यू हम पुट करेंगे वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यानी हमें a नॉट की वैल्यू मिल गई f ऑफ a। उसी तरीके से अगर हमें a वन फाइंड करना होगा, ए वन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टेटमेंट को हम हटा रहे हैं, तो f डैश a प्लस h हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, a1 और h का डेरिवेटिव 1 प्लस a2 और h स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 2h। उसी तरीके से ये हो गया a3 और इसका डेरिवेटिव होगा तो 3h स्क्वायर उसी तरीके से हमें मिलता जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हमको क्या चाहिए, ए वन की वैल्यू चाहिए तो फिर से हम एच की वैल्यू पुट कर दें तो ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो पुट एच इक्वल टू ज़ीरो, पुटिंग एच इक्वल टू ज़ीरो वी गेट, सो एफ डैश ए की ए हमें मिल जाएगा, क्या होगा ये तो पहले से ज़ीरो है, ये हो गया ए वन, बाकी जहाँ जहाँ हम एच की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे हमें वही मिलेगा, तो ए वन हमें मिल रहा है एफ डैश ए, ठीक है, तो ए वन हो गया हमारा एफ डैश ए, तो इसको भी लिख लेते हैं इक्वेशन टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। इसी तरह से इस टर्म का हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा हमें एफ डबल डैश ए प्लस एच और ये हो जाएगा, यहाँ दो कॉन्स्टेंट है तो दोनों की वैल्यू ज़ीरो, फिर ये आएगा ए टू, फिर इसका टू एच का डेरिवेटिव करेंगे तो टू आएगा प्लस ये थ्री है पहले से और इसका टू एच हो जाएगा, तो टू एच और ए थ्री, क्लियर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ए ए टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू ए एच स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एच और ए थ्री और इसी तरीके से। अब अगर हमें ए टू की वैल्यू चाहिए, ए टू की वैल्यू चाहिए तो हम फिर से क्या करेंगे, एच की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डबल डैश ए इक्वल टू, ये वैल्यू मिल जाएगी टू ए टू, इधर तो पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए टू की वैल्यू, ए टू हो जाएगा हमारा हाफ एफ डबल डैश है, हाफ एफ डबल डैश है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव ए प्लस एच, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड में क्या होगा ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये मिलेगा, यानी ये थ्री टू सिक्स हो गया, सिक्स एच इंटू ये भी गायब हो जाएगा प्लस नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा आगे वाला लिख सकते हैं फोर, फोर्थ वाला एक टर्म यहाँ से हम और लेके चलेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, और फिर जब हम h की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a3 की वैल्यू मिल जाएगी कितना, ये अपॉन में सिक्स हो जाएगा तो वन अपॉन सिक्स और ये हो जाएगा f डबल ट्रिपल डैश a, h की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे और इसको चाहो तो फैक्टोरियल में लिख लें वन अपॉन टू फैक्टोरियल और इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल और ये हो गया ट्रिपल डैश है। मतलब हमें कुल मिला के अलग अलग डेरिवेटिव निकालते जाना है और h की वैल्यू ज़ीरो पुट करते जाना है और हमें a1 a2 a3 इस तरह से मिल जाएगा। तो a1 मिला था हमें यहाँ पे a2 और यहाँ पे मिल गया हमें a3, a नॉट यहाँ मिला ही था, ये चारों वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे और हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा।
तो रखते हैं इक्वेशन वन में ये चारों वैल्यू पुट करेंगे, तो ये मिल गया हमें एफ ऑफ ए प्लस एच, ए नॉट की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ ए नॉट, एफ ऑफ ए था, एफ ऑफ ए यहाँ हमने ज़ीरो रखा था, ए वन की वैल्यू क्या आई है, एफ डैश ए, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एफ डैश ए और साथ में क्या है एच, तो एच को हम पहले लिख लेते हैं, यह हो जाएगा एच एच एफ डैश ए, फिर ए टू का मान क्या था, ए टू था 1/2 फैक्टोरियल और ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर 2/2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए। उसी तरीके से हमारा तीसरा टर्म ये आया है तो एच क्यू 3 और एफ ट्रिपल डैश ए, इस तरह से ये चलता जाएगा और लास्ट टर्म हम ऐसे ही लिख सकते हैं एस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए और ये जाएगा इन्फाइनाइट तक, ये एन एच टर्म था और ये इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो ये था टेलर का थ्योरम जो प्रूफ हुआ, तो आसान है उसको, पॉलीनोमियल को लेते समय हम ध्यान रखेंगे कि वो एच के पावर में होना चाहिए, उसी तरीके से एच के पावर मिलेंगे, फिर हम ए वन ए टू और ए थ्री ये सारी वैल्यू निकालने के बाद पुट करेंगे, हमें टेलर थ्योरम मिल जाएगा। अब इसको हम कुछ और फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे एच को ये पावर अगर हमारा चेंज हो जाए, पावर को हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ एच के पावर में था, एच की जगह हम कभी एक्स माइनस ए वगैरह भी यूज कर लेंगे, ये आने वाले क्वेश्चन में दिखेगा कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो एच के जगह हम बड़े आराम से एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू जो भी ज़रूरत होगी क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर या कुछ भी जो भी हमें लाना रहेगा तो हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी थ्योरम को हम एच की जगह इसको रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस ए हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस ए हो जाएगा, यहाँ हर जगह, तो कुल मिला के एच को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी पावर में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम एच को चेंज कर लेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में ये दिखेगा, एक्सपेंशन को याद रखेंगे वही काम आने वाला है, तो एक क्वेश्चन है एक्सपैंड साइन एच, एक्सपैंड साइन एक्स, एक्सपैंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू, इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू बाई टेलर्स सीरीज। तो हमें एक्सपेंड करना है साइन एक्स को, एक्सपेंड करना है साइन एक्स को किस पावर में, एक्स माइनस पाई बाई टू के पावर में, यानी एच के पावर में नहीं, एक्स के पावर में नहीं। साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है एक्स के पावर में होता है, लेकिन हमें एक्स के पावर में एक्सपेंशन नहीं करना है, बल्कि इसको एक्स के पावर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स माइनस पाई बाई टू के पावर में करना है। तो ये जो अभी अभी हमने बताया कि एच को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। यहाँ मान लीजिए पहले गिवन है, गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हमें देखना है कि ये किस पावर में एक्सपेंड करना है, तो पावर हमारा ये है तो एच हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई टू। अब एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ पाई बाई टू
प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स ही हमें मिलेगा। तो एक्चुअली हम इसी का दूसरा फॉर्म लिख रहे हैं, दूसरे तरह से इसको किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अब एच का काम करेगा और ये है ए के जैसा, यानी इसको हम कुछ बनाना चाह रहे हैं टेलर के एक्सपेंशन जैसा, एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर हम इस फॉर्म में इसको बना पाएंगे तो फिर उसी तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा और फिर हमें आसानी हो जाएगी। तो हम क्या सोचेंगे, ये है ए और ये पूरी वैल्यू क्या है एच, ये तो ये हमें कहाँ से समझ में आएगा, वो हम फंक्शन को उस तरीके से लिखेंगे जिस पावर में हमें यहाँ पे लाना रहेगा। तो जो भी पावर हमें बनाना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ x माइनस पाई बाई टू है तो इसी में हम पाई बाई टू ऐड कर लेंगे। सपोज़ करिए अगर यहाँ x माइनस पाई होता तो हम यहाँ पाई लेते तो इधर भी पाई ले लेते और ये समय हमारा a का काम करता पाई और ये हो जाता h की वैल्यू, ऐसे f ऑफ a ये हो जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें किस पावर में टेलर सीरीज लगानी है। तो फिलहाल हमें ये मिल गया इस फॉर्म में और एफ ऑफ ए प्लस एच का एक्सपेंशन हमें पता है, उसी एक्सपेंशन पे इसको ब्रेक करेंगे। अब एक्सपेंशन को अगर नहीं याद है तो एक बार लिख लेते हैं पहले एफ ऑफ ए प्लस एच, और याद भी रहे तो एक बार लिख लेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, फिलहाल हम एच के पावर में लिख रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे बाई टेलर सीरीज वी कैन राइट हम लिख सकते हैं इस तरह से, एच होगा फिर यहाँ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो अब इसके हिसाब से लिखिए एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हमारा यहाँ पे कौन सा फंक्शन है एफ ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे ए है हमारा पाई बाई टू और ये है एक्स माइनस पाई बाई टू। तो ए इसको मान के चलेंगे और एच इसको मान के चलेंगे तो हमारा एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू, ए के जगह क्या है ये ए है और ये पूरा हमारा एच है, तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच के प्लेस पे क्या होगा एक्स माइनस पाई बाई टू, इस एच के जगह पे हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाई टू और एफ डैश, फिर ए है हमारा कितना पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर है और अपॉन में फैक्टोरियल टू और एफ डबल डैश और ए के जगह पे क्या है पाई बाई टू, इस तरह से ठीक है प्लस और इस तरह से एक्सपेंड होता जाएगा ये। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ए और एच को माइंड में रखेंगे और इस थ्योरम को यूज़ कर लेंगे इस सीरीज़ को। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, अब अगर हमें एफ ऑफ पाई बाई टू एफ डैश पाई बाई टू और एफ डबल डैश पाई बाई टू इन सब की वैल्यू अगर हम इससे निकाल लें, इस वैल्यू से इसको मान लेंगे इक्वेशन वन या इसको वन लेंगे तो इसको टू मान लेंगे ठीक है, तो एफ ऑफ पाई बाई टू हमें यहाँ से मिल जाएगा या यहाँ से भी मिल जाएगा, अगर हम एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो साइन पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू इक्वल टू वन, तो यहीं से हम चाहें तो एफ ऑफ पाई बाई टू निकाल सकते हैं, एफ ऑफ पाई बाई टू क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन, यहाँ मिल गया हमें वन। नेक्स्ट हमें चाहिए एफ डैश पाई बाई टू, तो हम पहले क्या करेंगे इसका डैश निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स पहले करेंगे उसके बाद, तो उसको यहीं से निकाल लेते हैं हम, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, फिर अगर हम पाई बाई टू रखें एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू तो हमें क्या मिलेगा कॉस पाई बाई टू यानी ज़ीरो। इसी तरह से नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ये क्या होगा साइन एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल डैश पाई बाई टू हो जाएगा क्या माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू, यानी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहीं पे सारी वैल्यू रख देंगे, शो द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन इज, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल, जो आंसर आ रहा है वो तो इसी का है, फंक्शन एक्स का, फंक्शन एक्स ही तो है ये, पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, और इसी को हमें करना है। ये एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी थी, वन, ये हो गया वन, प्लस यहाँ पे क्या है एक्स माइनस पाई बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, फिर आएगा आपका माइनस वन एन एक्स में, तो माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और ये भी वैल्यू वन ही थी, इस तरह से आएगा। तो ये है इसका आंसर, तो दिख रहा है ये इसके पावर में, ये तो टर्म ही गायब हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो एक टर्म और मिलेगा, वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, इसका नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो है प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, और ये आएगा एक्स माइनस पाई बाई टू का पावर फोर, इससे चलता जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो हमें ध्यान देना है कि किसके पावर में हमें टेलर सीरीज़ को यूज़ करना है, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपैंड एक्सपैंड लॉग एक्स साइन एक्स प्लस एच, एक्सपैंड लॉग लॉग साइन एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच बाई टेलर सीरीज। तो लॉग साइन एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच बाई टेलर सीरीज, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, h के पावर में हमें टेलर सीरीज को एक्सपेंड करना है, और जो टेलर सीरीज हम जानते हैं उसका एक्सपेंशन भी कुछ उसी फॉर्म में होता है, h के ही पावर में होता है। सबसे पहले तो हम लिख लें कि हमें गिवन क्या है, तो गिवन फंक्शन f ऑफ, ये x प्लस h है तो हम फंक्शन में भी एक्स प्लस एच से डिनोट करेंगे, तो लॉग साइन एक्स प्लस एच, लॉग साइन एक्स प्लस एच, ये हमें गिवन है, एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो पावर हमें एच ही बताना है, तो यहाँ हम क्या समझेंगे, इसको ए समझ लेंगे और इसको एच समझ लेंगे, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ऑन एक्सपेंडिंग बाय टेलर सीरीज वी गेट, तो अगर इसको हम उसी तरह से एक्सपेंड करें और एक्स को ए समझें, एक्स को हम ए समझे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, राइट,
एफ ऑफ ए प्लस एच में एफ ऑफ ए होता है, इसको हम ए समझ रहे हैं, एक्स के जगह हम ए मान के चल रहे हैं, ए ए प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस एच आएगा एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब थ्री फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट डॉट। ऐसा देखिए हमारा थ्योरम क्या था, थ्योरम यही था एफ ऑफ ए प्लस एच टेलर सीरीज का एक्सपेंशन इसी तरीके से था ना, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डैश ए डबल डैश ए, यही तो था। तो एक्स है हमारा ए की जगह पे, बाकी सारा सेम है। अब हमें क्या चाहिए, एच के पावर में तो बताना ही है, तो एच को हमें नहीं छूना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ डबल डैश चाहिए, ट्रिपल डैश चाहिए, यही सब चाहिए। एच तो हमें रखना ही है, एच के पावर में ही तो बताना है, तो एच एज इट इज़ रहेगा। हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, डेरिवेटिव्स की चाहिए, एफ एक्स चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। अब कहाँ से मिलेगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन वन। अब ध्यान से देखिए कि एफ ऑफ एक्स हमें कहाँ से मिल सकता है, ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ एक्स हमें यहीं से मिलेगा, अगर एच की वैल्यू हम ज़ीरो रख दें इक्वेशन वन में, अगर एच की वैल्यू को हम ज़ीरो करें तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। वही करते हैं, पुट पुट एच इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन, वी गेट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग लॉग साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एच रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हमको मिल गया लॉग साइन एक्स, यानी हमें पहली वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ एक्स हो गया लॉग साइन एक्स, ये बड़े काम का है, टू हो गया। अब एफ डैश एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, इसी का डेरिवेटिव कर लें, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा सिंपल यहीं से, वन अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये क्या हो गया कॉट एक्स, क्वेश्चन थ्री। उसी तरीके से यहीं से हमें डबल डेरिवेटिव भी मिल जाएगा, तो एक्चुअली कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया फोर, तो इधर से तो ये काफ़ी आसान हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह से इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो थर्ड जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसको दो पार्ट में इंटू कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट जो डेरिवेटिव होगा हमारा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स, तो इसको फर्स्ट सेकेंड पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगाएंगे। तो ये सारी वैल्यू तो मिल गई, एफ ऑफ एक्स है, फिर यहाँ एफ डैश एक्स है, फिर ये है, फिर ये सारी वैल्यू जब मिल जाएगी, सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें नहीं लगता इस पर बताने की ज़रूरत है, ये आराम से हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हम लिख दे रहे हैं, इसका फाइनल आंसर होगा इसका फाइनल आंसर है लॉग साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि ये क्वेश्चन ही था, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग साइन एक्स log साइन x प्लस h cot x माइनस हाफ एच स्क्वायर cosec स्क्वायर x, और नेक्स्ट आएगा वन अपॉन थ्री एच क्यूब cosec स्क्वायर x cot x प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ध्यान से करेंगे तो बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। तो दो हमने दिखाया था, ये तीसरा वाला आ जाएगा जो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स वाला पार्ट था, वहाँ से ये थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता देते हैं, कुछ उसी तरीके से है, टेलर पे ही बेस्ड है। तो एक्सपैंड
एक्सपेंड टैन इनवर्स एक्स, एक्सपेंड टैन इनवर्स एक्स, एक्सपेंड टैन इनवर्स एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर, इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड टैन इनवर्स एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर बाई टेलर सीरीज। तो इसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इसके बाद आप कुछ खुद ही कर सकते हो। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स हमें पता है और इसको हमें एक्सपेंड करना है एक्स के पावर में नहीं बल्कि एक्स माइनस पाई बाई फोर के पावर में। यानी ये शो कर रहा है एक तरीके से जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, एच की वैल्यू कुछ एक्स माइनस पाई बाई फोर के फॉर्म में है, एक्स माइनस पाई बाई फोर के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको जब ए प्लस एच का फॉर्म देना होगा तो हम उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। एफ़ को क्या लिखेंगे, एफ़ को लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स को